नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपके द्वारा सबसे ज़्यादा जो मुझसे जो सवाल पूछा गया है उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया था कि पहले विद्यार्थियों ने कांस्टेबल ड्राइवर से आवेदन किया था, लेकिन और छूट मिलने के बाद वो कांस्टेबल जीडी से आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था और लास्ट डेट नज़दीक थी, तो इस वजह से उन्होंने मजबूरी में ड्राइवर से आवेदन किया। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, और अब वो चाहते हैं कि वो जीडी से भी आवेदन कर सकते हैं या उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो आपके सवाल हैं उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये सवाल जो आपने पूछा है मुझसे, उसी के बारे में बात करते हैं। पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक बार ही आवेदन कर सकता है। कुछ विद्यार्थी ये पूछते हैं कि दोबारा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? ड्राइवर से उन्होंने आवेदन कर दिया है तो दोबारा जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो नोटिफिकेशन के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी एक बार ही आवेदन कर सकता है, दो प्रकार के उसमें आवेदन नहीं कर सकता। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, और प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जो भी आपके सवाल हैं उनका पूरा सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। और उसके बाद आप सहमत होते हैं या नहीं होते हैं उस बारे में भी हम आगे इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 का, तो सबसे पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के अंत में आपको महत्वपूर्ण निर्देश आपको मिलेंगे, और जिसमें ये आप देख सकते हैं। पहला जो बिंदु है, आवेदक को एक ही आवेदन पत्र भरना चाहिए। यदि आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरेगा तो उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, तथा प्रथम बार भरा गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो पहला बिंदु है उसमें यही बात गई है कि कही गई है कि पहला ही आवेदन उसका मान्य होगा। अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो वो आवेदन आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों का इसके बाद जो दूसरा डाउट था कि अगर उन्होंने पहले मजबूरी में ड्राइवर से आवेदन किया था, क्योंकि उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, लेकिन उनको वो चाहते थे कि वो जीडी से आवेदन करे, तो अब क्या सॉल्यूशन रहेगा इसका? तो मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि कल उसके बाद जो इसका रिवाइज जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिन विद्यार्थियों ने ड्राइवर से आवेदन किया है वो दोबारा से आवेदन करें या ना करें, इस बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इस बारे में मैं यही कहता हूँ कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 4 तारीख से जो करेक्शन का जो फॉर्म में अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो हो सकता है वहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो उसमें भी करेक्शन करने के बाद उसको आप जीडी में बदल सकते हैं। तो उसी से संबंधित एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ये राजस्थान पुलिस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पर जो इसका वेब पोर्टल है राजस्थान पुलिस का, उसको आप अगर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक FAQ का ऑप्शन मिलेगा। FAQ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें उसी से मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जिससे जो आपका जो ये सवाल है मैं कुछ हद तक उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें एक चीज़ दी गई है जो प्रश्न संख्या 5 है, क्या एक बार दर्ज डेटा परिवर्तित किया जा सकता है? पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के समय दर्ज किए गए किसी भी डेटा, जैसे पोस्ट अप्लाइड, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी आदि। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है कि पोस्ट अप्लाइड, जैसे कि आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है लेकिन आप जीडी में उसको बदलना चाहते हैं, तो वो करेक्शन के बारे में ये जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के अनुसार, तो आप पोस्ट में भी बदलाव कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरा फाइनली जो जो आपका क्वेश्चन है कि हमें आवेदन करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि अभी तक इस बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप ये FAQ डाउनलोड करेंगे तो इसमें दे रखा है, पोस्ट अप्लाइड में भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कल जो करेक्शन का जो वो प्रेस नोट जारी किया है उसमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वहाँ पर पोस्ट अप्लाइड के लिए उस नोटिफिकेशन में कुछ भी दे नहीं रखा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो करेक्शन जो 4 तारीख से स्टार्ट होंगे, तो 4 तारीख तक आप इंतज़ार कीजिए। हो सकता है आप पोस्ट अप्लाइड में भी करेक्शन कर सकते हैं, या आपको आवेदन करना है या नहीं करना है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अभी तक इस बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसा कर रहे हैं कि वो दोबारा आवेदन कर रहे हैं, ड्राइवर से उन्होंने आवेदन कर दिया है और वो जीडी से भी आवेदन कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो यही है कि आप 4 तारीख तक आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको आवेदन करना है या क्या करना है। और वैसे भी अगर आपको आवेदन करना है जीडी में दोबारा से, वैसे भी उसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है, आप 4 तारीख के बाद भी उसमें आवेदन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन अभी कोई भी इस बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार हम केवल उन्हीं बातों पर बात कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट जो नोटिस जारी करता है उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जारी की जाती है, मैं वही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अपनी तरफ से मैं कोई भी जानकारी नहीं देता। और आपने देखा होगा कई विद्यार्थियों ने इससे संबंधित कमेंट किए थे कि सर आप रिप्लाई नहीं देते, हाँ क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऑथेंटिक सोर्स के अभाव में मैं आपको किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं देता, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और ये क्वेश्चन भी कई विद्यार्थियों ने उससे पूछा है कि ड्राइवर से आवेदन किया है लेकिन अब आयु में छूट मिल गई है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं इसी डिसीजन पे पहुंचा हूँ कि आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए 4 तारीख तक का, 4 से 5 तारीख तक आप इंतज़ार करें, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या फाइनल रहता है, क्या अपडेट मिलता है, उसी का आप इंतज़ार कीजिए। और वैसे भी लास्ट डेट 15 जनवरी है, उसके बाद भी आपके पास 10 दिन शेष रहते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो, उसके बाद भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ये हेल्पलाइन नंबर है ये जो आप देख रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस का वेब पोर्टल है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हेल्प डेस्क, मैंने इन नंबर पर भी बात की थी तो उन्होंने यही बोला कि अभी वेबसाइट का अपडेट होने का आप इंतज़ार करें, अभी कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। अगर आप बात करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप बात कर सकते हैं 9119801911, तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप अगर जीडी से दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरा यही मानना है कि आप 4 तारीख तक आप इंतज़ार करें और नए अपडेट का आप इंतज़ार करें, और जैसे ही कोई नया अपडेट है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई नया, और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो भी रिवाइज नोटिफिकेशन किए हैं, संशोधित विज्ञप्ति जो भी जारी किए हैं, उनमें दोबारा आवेदन करने से संबंधित कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप जो उनकी संशोधित विज्ञप्ति है आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी को आप फॉलो करें, 4 तारीख तक आप दोबारा आवेदन ना करें, हो सकता है वो आवेदन आपका रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि दोबारा आवेदन से संबंधित अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और आप किसी की भी बातों को ना माने, मेरा कहना यही है कि आप जो पुलिस डिपार्टमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसी पर आप विश्वास करें और 4 तारीख तक आप इंतज़ार करें, उसमें आपका भी कुछ नुकसान नहीं है। आपको अगर दोबारा आवेदन करना है और हमें दोबारा आवेदन करना होगा तो हम 4 तारीख के बाद भी उसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट 15 जनवरी है, आप सभी को इस बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आपका जो सवाल था
जो कांस्टेबल जीडी से आवेदन करने से संबंधित जो आपका सवाल था वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हुआ होगा। और अगर आप मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे इस बारे में भी पता लग सके कि कितने विद्यार्थी जो मेरे द्वारा जो ये जानकारी दी गई है उससे सहमत हैं या नहीं हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो प्लीज़ आप उसे हम सबके साथ कमेंट्स के माध्यम से सबके साथ उसे शेयर करें। हम सब मिलकर उसका सॉल्यूशन उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसकी सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।